मूवी अच्छी तो है ना, मुझे तो जो समझ में आया मैं वो बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हुस्नाबाद की, हुस्नाबाद मतलब कलंक की। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कलंक मूवी का पब्लिक की निगाहों में, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक ने क्या देखा, क्या उन्हें अच्छा लगा, क्या उन्हें बुरा लगा, इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। हुस्नाबाद एक ऐसी जगह बताई है लाहौर में जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तालाब बताए हैं, बड़े बड़े महल बताए हैं, इट हैज़ राजस्थानी टच। मूवी शुरू होती है चंदेरी में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और वहाँ से थोड़े से सीन के बाद डायरेक्ट हुस्नाबाद में सारे किरदारों को दिखाया जाता है। हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे, हम एक्टिंग की बात करेंगे, हम स्टोरी की बात करेंगे, हम डांस की बात करेंगे, और फिर बाद में पब्लिक के रिव्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफी बहुत 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 ही लार्ज ह्यूज सेट्स हैं, बहुत ही शानदार जगह बताई हैं। जो सिनेमेटोग्राफी में चीज़ें बताई हैं, सीता जी को जब रावण अपहरण करके ले जाते हैं और कैसे वो सीन को दर्शाया गया है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाजवाब सिनेमेटोग्राफी। मेरी तरफ से सिनेमेटोग्राफी में 5 out of 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिंग। संजय दत्त बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, एक ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है जो बहुत ही समझदार है। स्टोरी 1947 के आसपास बनी है, तो उस चीज़ को समझते हैं, उस माहौल को समझते हुए वो अपने किरदार को निभा रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त आदित्य रॉय कपूर के पिता बताए हैं, लीगल पिता बताए हैं। अब ये लीगल पिता क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा, लीगल पिता बताए हैं। सोनाक्षी सिन्हा आदित्य रॉय कपूर की वाइफ बताई हैं। स्टोरी जब शुरू होती है तो सोनाक्षी सिन्हा को कैंसर से पीड़ित बताया गया है, और एक चीज़ समझ में नहीं आई बस स्टोरी में कि सोनाक्षी सिन्हा को जैसे ही ये पता पड़ता है कि मुझे कैंसर है, वो जाती हैं अपनी एक बचपन की दोस्त के पास जो किरदार निभाया है रूप का, आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट को ये बोलती हैं कि मेरे को कैंसर है और तुमको मेरे पति के साथ रहना होगा उनके जीवन भर, मतलब तुमको उनकी पत्नी बन के रहना होगा। लॉजिक तो नहीं है कि भाई मैं मर रही हूँ तो आप मेरे पति से शादी कर लो और सब कुछ करो, बट पता नहीं स्टोरी की नीड है शायद। पूरी स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है। जब शादी करके आलिया भट्ट आ जाती हैं हुस्नाबाद, वहाँ पे वो 5-6 दिन तक ये तक नहीं जानती हैं कि उनकी शादी एक्चुअली किस से हुई है। अब यहाँ से एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, वरुण धवन की। वरुण धवन भी संजय दत्त के ही बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 17-18 साल की उम्र में प्यार हो जाता है और ये वरुण धवन जी आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त दोनों इतने छोटे होते हैं कि संजय दत्त एक्सेप्ट नहीं कर पाते माधुरी दीक्षित को और वो छोड़ देते हैं। माधुरी दीक्षित जी ने इस फिल्म में तबायफ का किरदार निभाया है और एक एरिया बताया है, रेड लाइट एरिया, जहाँ पे वो रहती हैं। हालांकि उनका जो रहने का स्थान है, रहने की जगह है, वो ह्यूज मैसिव महल है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पेंडुलाज हैं, बहुत ही खूबसूरत सेट, पहले भी जैसा मैंने आपको बताया। तो वहीं पे वरुण धवन भी उनके साथ रहते हैं, और लेकिन वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं। उस जगह का नाम है हीरा मंडी। हीरा मंडी आज भी है, हालांकि हुस्नाबाद एक पूरा फिक्शियस जगह है जो बनाई गई थी। हीरा मंडी के बारे में मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, वो लोहारों का मोहल्ला है, वहाँ लोहार हैं, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, और तबायफों का मोहल्ला है। इस तरह से पूरा का पूरा हुस्नाबाद क्रिएट करा गया है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आज़ादी की तरफ कहानी बढ़ती है, इधर आलिया भट्ट माधुरी दीक्षित से गाना सीखने के लिए वहाँ आने लगती हैं हीरा मंडी, मतलब एक बड़े परिवार की लड़की वहाँ पे गाना सीखने आ रही होती है। इधर हमारे जो हीरो हैं जिनको मूवी में हरामी कहा गया है, मतलब वरुण धवन, वो भी वहाँ है, और वरुण धवन इतना छिछोरा कैरेक्टर बताया गया है कि जहाँ उनको लड़की दिखती है बस वो वहाँ अपना दिल दे बैठते हैं,
यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ, वरुण धवन ने जैसे ही आलिया भट्ट को देखा बस दिल दे दिया। धीरे धीरे स्टोरी शुरू हुई इन दोनों की, जो कि लव स्टोरी में बदल गई। अच्छा मैं दोस्तों आपको एक बात और बताता हूँ कि ये बात वरुण धवन को पहले से ही पता थी कि ये कौन है, और वो सिर्फ अपने बाप से बदला लेने के लिए इनको पटा रहे थे। दिल तो दिल है, उस पर किसका जोर है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, वरुण धवन भी धीरे से उनके प्यार में पड़ गए। पहले बदला लेने के लिए प्यार कर रहे थे और फिर उसके प्यार में पड़ गए। 1947 के पास का समय आ जाता है और वहीं पे पहली न्यूज छपती है आदित्य रॉय के अखबार में कि पहला स्टील प्लांट हुस्नाबाद में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोहार वहां रहते हैं उन सब की रोजी रोटी छिन जाएगी। इसको लेके कुणाल खेमू, आई मस्ट से कुणाल खेमू ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करा, बहुत ही अच्छे तरीके से ही नेल्ड इट। उन्होंने एक लीडर की भूमिका वहां पे निभाई है और पूरे मॉमडन्स को नेतृत्व करा है। 1947 के दंगे बताए हैं, ये बताया है कि कैसे संजय दत्त अपनी फैमिली को लेके वहाँ से आते हैं, और एक सीक्रेट है मैं आपको बता देता हूँ, वरुण धवन बचाते बचाते मर जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो आपको वहाँ समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ बता दी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रिव्यू जो रहा है वो यही रहा है कि समझ में नहीं आई। अब समझ में क्यों नहीं आई दोस्तों, उसका मेन कारण यह है कि स्टोरी इतने ह्यूज सेट को शायद इस्तेमाल नहीं कर पाई। इतने बड़े बड़े और स्किल्ड एक्टर्स जिन्होंने अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की है, उसके बावजूद कलंक को कलंक कहा जा रहा है इंडस्ट्री पे। उसका कारण सिर्फ यह है कि स्टोरी बहुत ही स्लो चली है, बहुत स्लो स्टोरी है। अगर इसी स्टोरी को थोड़ा सा तेज या थोड़ा सा अलग तरीके से चलाया जाता तो मुझे लगता है कि जो सेट्स हैं उन सेट्स के बेसिस पे और जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने एक्टिंग की है उस एक्टिंग के बेस पे ये मूवी बहुत ही शानदार ब्लॉकबस्टर होती। हालांकि मूवी पैसा कमा रही है, फर्स्ट डे कलेक्शन अप्रॉक्स 51 करोड़ है, इट्स ए गुड कलेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों एक्टिंग की, सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की। सबसे अच्छी एक्टिंग आलिया भट्ट, आलिया भट्ट ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। आप ये देख पाएंगे कि किस तरह आपको उसमें एक बंधी हुई लड़की जो कुछ कर नहीं पा रही लेकिन करना चाहती है वो उनमें दिखेगा। तो मेरी तरफ से आलिया भट्ट की एक्टिंग को 5 out of 5, वरुण धवन को मैं अपनी तरफ से दूंगा 4 out of 5, संजय दत्त 3.5, माधुरी दीक्षित जी बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे आई हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन स्टोरी की कुछ कमियों के कारण ऐसा लगा है कि उनको वो रोल जो मिलना था वो शायद नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है उनको, हर बात के बाद वो गाना चालू कर देती हैं, गोल गोल घूमना चालू कर देती हैं, हो सकता है कि शायद तबाइफ का जो रोल उस वक्त चलता हो उसके अकॉर्डिंग वो रोल डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन सबको पीछे पछीटते हुए कुणाल खेमू और आलिया भट्ट इन दोनों को मैं 5 out of 5 दूंगा। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ मूवी कलंक। आप जाएं देखें, अपना रिव्यू भी दें, हमें कमेंट करें कि जो हम मूवी रिव्यू कर रहे हैं क्या वो आपको पसंद आ रहा है, हमें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि मूवी कैसी है। Signing off, Gaurav.